शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। ये सबको पता है जनाब स्पीकर के पीटीआई का जो वर्कर होता है वो अपने लीडर के साथ, जो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उनके साथ हमारा जो जज्बाती ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे उन पर कुर्बान इस धरती माँ के लिए। जनाब स्पीकर, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अहमद कुंडी साहब जैसे हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, चूंकि ये एडजॉर्नमेंट मोशन जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा उन्होंने सियासी तकरीर की और हमें सियासी तारीख के पस मंजर में लेकर गए। लेकिन इनके इतला के लिए अर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस पार्टी से ताल्लुक है, उस लीडर से ताल्लुक है, उस मंशूर से ताल्लुक है कि जिसने इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एक अलम बुलंद की, जिसने रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज बुलंद की, जिसने सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी आवाज बुलंद की, जिसने सिविलियन सुपरमेसी के लिए आवाज बुलंद की। जनाब स्पीकर, इससे पहले भी काफी इलेक्शंस रिग हुए, सियासी हुकूमतों को घर भेजा गया, अपने टेन्योर पूरा करने से पहले शब खून मारा गया। लेकिन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि वो सो कॉल्ड सियासी लोग या सियासी जुमाते वो किन की पैदावार थी। वो ये भूल जाते हैं कि जिनको कल तक इनके लीडर डेडी डेडी कहलाया करते थे, कहा करते थे, उनके बलबोते पर एक पार्टी वजूद में आई और उस पार्टी ने इस मुल्क के साथ जो किया, जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में, दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन हमारे मुल्क में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, यहां पे सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, यहां पे इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया गया, यहां पे इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया गया अर्ली 70s और 80s में। जनाब स्पीकर, मुझे बड़ी खुशी हुआ थी अगर आज कुंडी साहब यहां पे कह देते, बर्मला कह देते कि जो हुआ था वो सो हुआ था, गलतियां सबसे हुई है, चले उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी किया, लेकिन सारा का सारा मलबा इन्होंने पाकिस्तान तरीके साफ और मेरे कायद और मेरी पार्टी भी डाला। लेकिन जनाब स्पीकर, इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए के जनाब स्पीकर, अगर हम तारीख उठाएं तो डिक्टेटर्स का दामन इन्हीं के पार्टी ने पकड़ा और रीसेंट हिस्ट्री पे आते हैं जनाब स्पीकर, दूसरी तरफ सिक्योरिटी स्टेट सलामती रियासत की, तो जनाब स्पीकर फलाही रियासत इस तरह से बनती है कि इनके इलेक्टेड वजीर आजम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर भेजा, किस ईमा पे भेजा, उनकी क्या गलती थी। जनाब स्पीकर, अगर शायद इस ऐवान में बैठे लोगों को याद हो कि उनको राजा रेंटल पावर कहा जाता था। जनाब स्पीकर, आज जो हमारी आवाम भुगत रही है लोड शेडिंग, जो हमारी आवाम भुगत रही है महंगे महंगे बिल, यूटिलिटी बिल्स, ये इन्हीं का शाखसाना है। 55 साल इनको किसने रोका था कि वो आवाम के लिए सस्ती बिजली पैदा करें, डैम हाइड्रो पावर से सस्ती बिजली बनाए, दूसरी तरफ अनइरिगेटेड लैंड इरिगेशन से वो सैराब करें। जनाब स्पीकर, 55 साल क्रिमिनल नेग्लिजेंस इन्होंने की है, इन्होंने आवाम को सस्ती बिजली नहीं दी,
दूसरी तरफ इन्होंने धड़ाधड़ आईपीपीज लगाए, आरपीपीज लगाए। क्या वजह थी जनाब स्पीकर? क्योंकि आईपीपीज इनके फ्रंट मैनों के थे, इन्होंने अरबों रुपए करप्शन के कमीशन इन्होंने बटोरे। जनाब स्पीकर, आज हमारी आवाम भुगत रही है। आप जाएं जनाब स्पीकर, मैं तो अपने हलके में लोगों के कहता हूं कि लोड शेडिंग है, शुक्र अदा करो। अगर लोड शेडिंग ना होती तो अल्लाह की कसम इतने बिल आ जाते कि आप लोगों का कमर टूट जाता, जिस तरह के कराची और दूसरे शहरों में हो रहा है। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान की आवाम महंगे बिलों की वजह से अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं और खुद भी जहर खा रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये खिलवाड़ आवाम के साथ किसने की? जनाब स्पीकर, डोमेस्टिक यूटिलिटीज और इस्तेमाल तो छोड़े, हमारी आज हजारों की तादाद में जो कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद है, हमारी टेक्सटाइल इन्वेस्टर यहां से रिलोकेट होकर बांग्लादेश चली गई। ये किन का शाखसाना था जनाब स्पीकर? ये इन्हीं का शाखसाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है, रिगिंग हर इलेक्शन में होते रहे, शुरू से इलेक्शंस रिग होते रहे, 80-70 से इलेक्शन रिग होते रहे। लेकिन जनाब स्पीकर, पहली दफा अलम बगावत किसने बुलंद की 2013 में? 35 पेंचर के खिलाफ धरना किसने दिया? जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर ने। जनाब स्पीकर, ये बात करते हैं कि किसके कंधों पे ये लोग आए, ये सरासर इल्जाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दावा है कि इमरान खान 30-40 साल सियासत और कर लेते, उन्होंने कभी इक्तदार में ना आना था अगर ये सोशल मीडिया का दौर ना आ जाता 2010-11 में। जनाब स्पीकर, सोशल मीडिया की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस आई, खान साहब का घर घर उनका पैगाम पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाशऊर हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अशऊर आ चुके हैं कि तमाम इदारे इनके साथ मिले हुए थे। मुझे बड़ी खुशी होती अगर कुंडी साहब ये कहते, इनके लीडर्स के बयान रिकॉर्ड पे हैं, रिकॉर्ड पे हैं, फॉर्म 47 कहते हुए इनको गुस्सा आ जाता है। जनाब स्पीकर, 2-3 अपोजिशन 3-4 बंदों के अलावा मेरे ख्याल में सारे के सारे फॉर्म 47 के हैं यहां पे बैठे हुए, इसीलिए तो इनको गुस्सा आ जाता है। वही जो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मलक लियाकत साहब ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, इनको खामखा में गुस्सा आ गया। जनाब स्पीकर, मुझे बड़ी खुशी होती कि जो ये जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं ये लोग, ये पार्टियां नाम निहाद जमहूरियत पार्टियां, जनाब स्पीकर इनको देख लें, इनके किरदारों को देख लें। मैं दूर हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम बहुत कम है, नमाज का टाइम है, लेकिन जनाब स्पीकर, सिर्फ खान का गुनाह क्या था? साइफर आया, बाहर से इशारे मिले, यहां पे खरीदो फरोख की मंडी लगी। किसी को याद है कि वो मंडी किसने लगवाई? सिंध बलोचिस्तान हाउस में किसने लगवाई? इनके लीडर्स ने लगवाई। मुझे खुशी होती अगर यहां पे वो इसका भी अफसोस कर लेते। जनाब स्पीकर, उसके बाद जुल्म ज्यादतियों के पहाड़ तोड़े गए, मेरे लीडर के खिलाफ वो नाजेबा केसेस बनाए गए जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बंदे को शर्म आ जाती है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड 57 इस्लामी मुमालिक में बंदे को शर्म आ जाती है। ऐसे ऐसे बेहुदा केसेस बनाए गए, इन्होंने तो कॉन्डेम नहीं किया। जनाब स्पीकर, मेरे लीडरशिप के साथ क्या हुआ? कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, कैसे कैसे तरीकों से FIR काटी गई, कैसे जुल्म सितम किए गए, कैसे घरों की बेबर्दगी और बेइज्जती की गई जनाब स्पीकर। लेकिन इन चीज को
ये पूरे सिस्टम में इन सो कॉल्ड हमारी जमहूरियत पार्टीज ने कभी भी इन्होंने कंडेम नहीं किया। जनाबी स्पीकर, मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये आज कम से कम ये मान लेते केयरटेकर हुकूमत, ये बड़े धड़ल्ले से कह लेते हैं कि 1973 का आईन जो हमारा तोहफा है, 18वीं तरमीम हमारा तोहफा है, 1973 के आईन को तोड़ा गया, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए गए। आपकी पार्टी ने, पीडीएम, सारी जमातों ने, जिन्होंने जायज तरीके से एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया था, हुकूमत बनाई, फिर उसके ऊपर धड़ल्ले से आप लोगों ने गैर कानूनी केयरटेकर हुकूमत बनाई, मिल बैठ के काया पिया और गैर कानूनी तरीके से 90 दिन से ऊपर आप लोगों ने 13 महीनों से ऊपर टाइम गुजारा, किसी ने कंडेम नहीं किया, मिल बैठ कर काया पिया। जनाब स्पीकर, इस तरह से जमहूरी निजाम मजबूत नहीं होते। जुबानी कलामी कहने से जमहूरियत का चैंपियन तो बंदा बन जाता है, लेकिन कॉल ऑफ फेल में तजाद जो होता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम बाशऊर है, आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी से फ्रॉड नहीं कर सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह दो तिहाई अक्सरियत पीटीआई को 3/4 अक्सरियत हमारे केपी में मिली, हालांकि फॉर्म 47 वालों ने हमारे काफी 14-15 सीट उन्होंने छीने, उसके बावजूद हमें अल्हम्दुलिल्लाह दो तिहाई अक्सरियत, 200 से ऊपर सीटें हमें फेडरल गवर्नमेंट में मिली। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिंध की गवर्नमेंट में भी ठीक ठाक मेजोरिटी मिली, लेकिन जनाब स्पीकर, इन्होंने हमसे वो छीनी, इन्होंने कंडेम तक नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी होती अगर आज हमारे फाजिल दोस्त इस चीज को कंडेम कर लेते कि जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है, रिश्ती में आप नहीं जाए, 50, 60 साल, 70, 76 साल पीछे आप नहीं जाए, आप रिसेंट 1-2 साल की बात करें, आप 8 फरवरी की बात करें, जिस पे शब खून मारा गया, जमहूरियत पे शब खून मारा गया, आप उस चीज को कंडेम करें। आप तो के उठाया करते थे मीडिया पे बैठ के, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ज्यादा की गई, हमारे मखसूस नशिस्तें जो हमें मिलनी थी, पहले सिंबल के दिन हमसे सिंबल छीना गया, हमें आजाद छोड़ा गया, हमें अपने अल्लाह के रहम करम पे छोड़ा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर कहता होता हूं, जिसका यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से होता है, फिर अल्लाह उनको इंशाल्लाह गिराने नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने गिराए नहीं दिया। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ने जो ज्यादा की, मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी, इन्होंने बड़े कहकिया उठाए, इन्होंने बड़ी मिठाइयां तकसीम की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है, हमें वापस अपना हक मिल चुका है। और लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते हैं, आखिर में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, जिस तरह के अभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ऑन रिकॉर्ड पे बयान दिए गए कि दहशतगर्दी के पीके की तरफ से हो रही है, इसको आज कंक्लूड ना करें, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा दिल ये था कि आप लोग बातचीत कर लें तो मैं आईजीपी को भी यहां बुलाऊं, फिर इन हाउस आपके लिए ब्रीफिंग भी रखूं जिसमें आईजीपी भी हो और होम डिपार्टमेंट भी हो, ताकि देखें ये जो इशू है ना रोज हुकूमती बेंचों की तरफ से, ये तो एक बदमजगी होगी। उसे मलिक साहब, मैंने वार्निंग भी जारी कर दी है, अपोजिशन लीडर साहब को मैं सब ने अपोलोजीज भी कर ली, उसके लिए लीनियट व्यू लिया, उसे हमने इस उससे रिमेनिंग जो टाइम था वो मैंने उसे कहा कैसे ले जाएं रिमेनिंग टाइम में, इससे पहले कि सार्जेंट एटाम से बाहर निकालें, ठीक है ना जी। जनाब स्पीकर, मलिक साहब बहुत जज्बाती ना होना जी, ये इसका कोई हाल नहीं है मेरे पास, और क्या हाल है, मैं पास ही तो किसी को। जनाब स्पीकर, मैं अब तक के लिए अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूँ, वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर का जो ये सब कुछ
जो कुछ हो रहा है हमारे केपी में, मुझे ये साक्षाना लग रहा है उस बयान के ऊपर जो कि हमारे डेंटोनिक साहब ने उधर से दिया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और एक बयान बयानिया बयान बनाने की कोशिश की थी कि केपीके की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है और ये लोग दहशतगर्द हैं और पूरे मुल्क में इनकी तरफ से अमन खराब है, हालांकि इनको शर्म आनी चाहिए। वजह ये है जनाब स्पीकर कि मेरे लोग, मेरे सूबे के लोग पिछले 45 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क का जो सेंसिटिव मेले वकू है हम उससे बखूबी आगाह हैं। हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, इस मुल्क के अमन के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जनाब स्पीकर फेडरल की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस तरह के बयान आएंगे तो हमें बड़ा दुख होगा। जनाब स्पीकर 1 लाख से ऊपर शहादतें और कुर्बानियां जानी और माली, मेरे लोग बेघर हुए, बेइज्जती हुए, वो नकल मकानियां उन्होंने की हैं, करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए लोगों के इंडिविजुअली नुकसान हुए। गवर्नमेंट ऊपर से उनको, अभी भी आप चले जाएं मेरे और अगजई एजेंसी और अगजई डिस्ट्रिक्ट में जनाब स्पीकर, वहां पे हमारे कबायली लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, उनके बड़े बड़े घर थे, आप यकीन करें वो आज भी मलबे के ढेर आपको नजर आएंगे। जनाब स्पीकर ये ऊपर से फेडरल की तरफ से वो 3-3, 4-4 लाख रुपए थमा देते हैं। मैं ये आपको यकीन से कहता हूं कि उस 4-4.5 लाख रुपए में आप उस जगह का मलबा भी उठा नहीं सकते। तो ये घर बनाने के लिए ये कंपेंसेशन दे रहे हैं जो कि बड़ा शर्मनाक है। जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हमारे लोगों के ऊपर, हमारी तरफ से एक मजबूत आवाज जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर कि लॉ एंड ऑर्डर का जो यहां पे जो कुछ भी हो रहा है ये एक मजमून साजिश है, ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के मेरे लीडर ने बारहा ये क्लेरिफाई किया और इस दफा भी क्लेरिफाई किया कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, ना हम ऑपरेशन करने देंगे अपने लोगों को के ऊपर, ना अपने लोगों को बेइज्जत मजीद करने देंगे हम इंशाल्लाह। तो जनाब स्पीकर मेरा वजीर आला साहब भी बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर चुका ये कि ना हम ऑपरेशन करने देंगे इंशाल्लाह। हमारी पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो वेल इक्विप्ड हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 अरब से ऊपर हम उनके लिए इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ गाड़िया, बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़िया वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम किसी को अपने इलाके का अमन खराब नहीं करने देंगे। और आखिर में जनाब स्पीकर एक वक्त वो भी था जब पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां पार होती थी और मेरे पुलिस के जवान जो थे वो शहीद हुआ करते थे। निकला अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के बाद इस इलाके में, हमारी मट्टी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अमन व अमान आया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के मेरे खान ने फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए तमाम फाइनेंशियल क्रंच होते हुए उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जिसको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सराहा, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने जिसके इशारों के ऊपर इस हंसते बसते मुल्क और इकॉनमी जिसका पहिया चल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो इन्होंने बेइज्जती के ऊपर, बेगैरती के ऊपर खरीदो फरोख करके एमएनएस को खरीदो फरोख और उनकी जो है लॉयलिटीज इन्होंने चेंज की और हुकूमतें गिराई। फिर उसके बाद इस मुल्क के साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा। फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बना, फिर गैर कानूनी केयर टेकर भी चला। इंशाल्लाह इस दफा दोबारा हमें मैंडेट मिला है और इंशाल्लाह मेरा ये पूरा यकीन है
कि हम यहाँ पे अमन इंशाल्लाह बहाल करेंगे और इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह, मेरा पूरा यकीन है, जिस तरह के इनको तकलीफ होती है फॉर्म 47 कहलवाने के ऊपर, तो ये घबराहट का शिकार है। इंशाल्लाह हमारी सीटें रिवर्स होंगी, हमें अपना मैंडेट मिलेगा, अदालतें इंशाल्लाह इंसाफ करेंगी, इंशाल्लाह अदालतें इनके जुल्म सितम के आगे डट के कड़ी हैं और इंशाल्लाह हमें अपना हक मिलेगा। और मैं ये दावे से इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि बहुत नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह इमरान खान एक दफा फिर इस मुल्क के खुदादाद के वजीर आजम इंशाल्लाह की कुर्सी पे होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।